नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के किताबें मिली कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं वैदिक साहित्य की उन किताबों की बात करूंगा, उनकी जानकारी आपको दूंगा जो पुस्तकें बुक कैफे में चर्चा के लिए हमें प्राप्त हुई हैं। इनके प्रकाशक पालीवाल प्रकाशन और त्रयंबक प्रकाशन है। ये दोनों सहयोगी उपक्रम है, इसलिए इनको एक प्रकाशक की पुस्तकें मानी जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में मैं उन पुस्तकों की जानकारी देता हूं जो बुक कैफे में चर्चा के लिए हमको प्राप्त होती है। तो जो पुस्तकें हमें मिली हैं उनमें वेद गीतायन भाष्य, स्वामी शरण कृत, सरल पाठ काव्यानुवाद, मंत्रार्थ भावार्थ, धात्वादि निरुक्तक आदि। ये पुस्तक है ओम साधना मंत्र साधना वैदिक संस्कृति परिचय। ये भी स्वामी शरण जो चतुर्वेद भाष्यकार हैं उनकी पुस्तक है। सामवेद स्वामी शरण कृत सरल पाठ संपूर्ण संहिता, यह पुस्तक हमें प्राप्त हुई है। स्वामी शरण कृत वेद गीतायन चारों वेदों से चुने हुए गीतात्मक सूक्त, ये भी हमें प्राप्त हुई है। युग बोध काव्य साधना है, ये स्वामी शरण कृत युग बोध। यजुर्वेद स्वामी शरण कृत सरल पाठ संपूर्ण संहिता, यह पुस्तक हमें प्राप्त हुई है। इसके अलावा अथर्ववेद स्वामी शरण कृत सरल पाठ संपूर्ण संहिता, ऋग्वेद स्वामी शरण कृत सरल पाठ संपूर्ण संहिता, इसके अलावा स्वामी शरण कृत ऋग्वेद भाष्य, यह हमें प्राप्त हुआ है। स्वामी शरण कृत अथर्ववेद भाष्य, यह पुस्तक भी हमें मिली है। और जो 11वीं पुस्तक है इस क्रम में इस सप्ताह, वह हमें स्वामी शरण कृत सामवेद भाष्य। तो इस तरह से पालीवाल प्रकाशन और त्रयंबक प्रकाशन की ओर से हमें कुल 11 पुस्तकें इस सप्ताह बुक कैफे के एक दिन एक किताब में चर्चा के लिए मिली है। जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूँ, इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपको बुक कैफे में प्रकाशकों द्वारा मिली हुई पुस्तकों की प्राथमिक सूचना देना है, ताकि आपको पता हो चल सके कि किस प्रकाशक विशेष ने हमको कौन सी पुस्तकें भेजी हैं। अगर आप वैदिक साहित्य में रुचि रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन में यानी इन किताबों के बारे में हमारे नीचे जो परिचय लिखा हुआ है वहां से आपको पता मिल जाएगा, आप इन पुस्तकों को खरीद कर पढ़ सकते हैं। बुक कैफे देखते रहें, किताबें मिली कार्यक्रम देखते रहें, एक दिन एक किताब को सुनते रहें। हमारी जो बातचीत का जो कार्यक्रम है बातें मुलाकातें या शब्द रखी उनको भी सुनते रहें, पुस्तकें खरीदें, अपने को ज्ञानवान बनाएं, हमारी प्रतिक्रिया दें हमारे कार्यक्रमों पर, और यह बताते रहें कि शब्दों की दुनिया जिंदा है। शब्द बचेंगे तो संस्कृति बचेगी, ब्रह्म बचेगा, धरती बचेगी और ज्ञान बचेगा। धन्यवाद।